नमस्कार, एनबी न्यूज के खास कार्यक्रम सत्ता के बाहर संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। अपनी इस खास पेशकश में हम 2024 के चुनावी समर के मैदान में उतर चुके सियासी योद्धाओं के तीखे वार पलटवार आपको सुनवाते हैं। नेताओं की जुबानी तर्कश से निकला हर तीर क्या निशाने को भेद पाया या चूक गया ये बताते हैं। साथ ही बड़े चुनावी मुद्दों पर जनता यानी आपकी राय भी देश के हर कोने तक पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर फुल चुनावी डोज से भरे इस बुलेटिन में आपको चुनाव के सभी रंग देखने को मिलते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है, चलिए शुरू करते हैं सत्ता का महासंग्राम। बुलेटिन के इस सेगमेंट में हम बात नेताओं के जुबानी हमलों की करते हैं। किस मुद्दे पर किसने किस पर क्या आरोप लगाया और आरोपों के पलटवार पर किसने क्या जवाब दिया ये जानते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जिन नेताओं की तस्वीरें देख रहे हैं आज हम इन्हीं के वार पलटवार सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वार पलटवार। मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये निराशा के गर्त में डूबे हुए वो लोग हैं जिनको अनुच्छेद 370 का हटना भी असंभव लगता था। आज हमारी आंखों के सामने अनुच्छेद 370 की जो दीवार थी उसे हमने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है और जो ये सपने संजो रहे हैं कि वो कभी 370 का पुनर्जागरण करेंगे वो कान खोलकर सुन लें, दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती। आशा की गर्त में डूबे हुए वो लोग हैं जिनको आर्टिकल 370 का हटना भी असंभव लगता था। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। और जो सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 से पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लगाएंगे, वो कान खोल करके सुन ले, ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां देश में राज कर रही हैं, सरकार गिरा रही हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में हॉर्स ट्रेडिंग करके चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही हैं। ये राजनीतिक गुंडागर्दी है। कांग्रेस के अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, दो मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद किया गया है। लोगों के दिमाग में आ गया है कि अगर मोदी भारी बहुमत से जीत जाएंगे तो पता नहीं आगे चुनाव होंगे या नहीं। ईडी कैबिनेट सीबीआई राज कर रही है देश के अंदर, सरकार घिरा रहे हैं मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान में। समझता हूँ राजस्थान वासियों जो हमारे उनकी दुआओं से उनके आशीर्वाद मेरी सजा बच गई, वरना मैं भी आपके बीच में अभी नहीं बैठा होता। तो ये जो इसको कहेंगे राजनीति गुंडागर्दी, आप चुनी सरकार गिरा रहे हो और चढ़ी करके तमाम बातें मैं बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रल बॉन्ड की, सरकारें गिराने की, अकाउंट बंद करने की, कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री जेल में डालने की, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का दुरुपयोग करने की और माहौल बनाने की, तनाव का एक तनाव बनाने के अंदर प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। बिहार की एक जनसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार को कांग्रेस और आरजेडी के इस गठबंधन ने कहां पहुंचा दिया। बिहार के लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। जो बिहार अपनी बुद्धि से देश को दिशा देने का सामर्थ्य रखता है वो बिहार अपनी पहचान के लिए तरस रहा था। इन लोगों ने माफिया को पनपा कर क्या स्थिति कर दी थी। कांग्रेस और आरजेडी बिहार को फिर से कहां पहुंचाना चाहती है ये किसी से छिपा नहीं है। यह भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जन्मभूमि है और ये बिहार देश की
आजादी के बाद देश के सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन जिसने लोकतंत्र को बचाया था, सदैव जयप्रकाश जी की भी पावन धरा है। लेकिन बहन और भाइयों, इस बिहार को कांग्रेस और आरजेडी के इस गठबंधन ने कहां पहुंचा दिया था? बिहार के लोगों के सामने, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। हमें दुख होता है कि जो बिहार अपनी बुद्धिमता से देश को दिशा देने की सामर्थ्य रखता है, वह बिहार पहचान के लिए तरस रहा था। इन लोगों ने माफिया और अपराधियों को पटपा करके क्या स्थिति बिहार की कर दी थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हार नहीं रही, बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान चुकी है कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। 400 पार यानी 543 सीटों में से 400 के बाद जो सीटें होंगी वो ये लोग जीतेंगे। इस बार बीजेपी 140 सीटों के लिए भी तरस जाएगी। चुनाव बीजेपी हार नहीं रही है, बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उनकी भाषा से, उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान गई है कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितना ऊंचाई पे उन्हें जाना था वो जा चुके हैं, अब ऊपर से लुढ़कना शुरू कर दिया उन्होंने। अब कितने नीचे जाएंगे वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 400 पार मतलब 543 543 सीटों में 400 के बाद जो सीटें हैं उतनी जीतेंगे। इसका मतलब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 153 से 43 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पा रहे हैं वो। इस बार 140 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी खुद अपने इशारे पर नहीं बोल पाते, वो तो दूसरों के इशारे पर बोलते हैं। उन्हें इतना वहम है कि ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। उनके इशारे पर तो वो खुद नहीं बोल पाते हैं, वो तो दूसरे के इशारे पर बोलते। ये जिनको इतना वहम हो, राहुल गांधी, मैं चुनौती देता हूँ कि राहुल गांधी को अगर पुर्जी लिख के ना दे दूसरे के इशारे पर बोलने वाला व्यक्ति आज तक खुद के इशारे पर नहीं बात किया हो। ऐसा व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय ने कहा कि सभी कारखाने गुजरात चले गए, वाराणसी में एक भी कारखाना नहीं लगा है, वाराणसी में कुछ भी नहीं हुआ, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर टोटो चलाएंगे, रोजगार नहीं करेंगे, वाराणसी में अनियोजित तरीके से विकास हुआ है। कॉन्फ्रेंस में कई चीजें सामने आई, एक तो सारे हमारे बनारस के लोगों को बेरोजगार कर रखा, सारे कल कारखाने गुजरात से निकले 22 से लेके 24 तक, चाहे वो सेमी कंडक्टर का हो, चाहे वो एयरबस बनाने का हो, सबमरीन का, सारे कारखाने टेस्ला के सभी कारखाने गुजरात गए। बनारस में एक भी कारखाना 10 साल में नहीं लगा, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, कोई काम नहीं मिला। बनारस में बंदरगाह बनाया खड़ा है, बनारस के अंदर कुछ भी नहीं दिया, केवल टोटो चलाएंगे हमारे बच्चे पढ़ लिख कर टोटो चलाएंगे, ये हमारी केवल और केवल हैसियत है, पढ़ लिख कर बच्चे रोजगार नहीं करेंगे। और जो बनारस के अंदर विकास अनियोजित तरीके से हुआ, बनारस में एक अधिकारी 4-5 साल से यहीं पर डटा है, कमिश्नर डीएम कमिश्नर 5 साल से कौशला शर्मा, इसको तत्काल हटाएं जिससे निष्पक्ष रूप से यहां चुनाव हो सके। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता नाना पटोले कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम राम मंदिर का दोबारा शुद्धिकरण करेंगे। हमें पहले बताइए कि सोनिया गांधी हिंदू हैं या ईसाई। कांग्रेस पार्टी और लालू यादव अभी भी राम मंदिर के पीछे हैं। उनका मन है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो दोबारा रामलला को टेंट में ले जाएंगे। हुआ कांग्रेस का एक शख्स है जो महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष है, उन्होंने बोला, नाना पटोले है उनका नाम, उन्होंने बोला कि अगर कांग्रेस सरकार आएगा तो हम राम मंदिर का दोबारा शुद्धिकरण करूंगा। मैंने पूछा, भाई कांग्रेस पार्टी कैसे राम मंदिर का शुद्धिकरण कर सकता है?
बोले क्यों नहीं कर सकता है। मैं बोला पहले बताओ सोनिया गांधी हिंदू है कि क्रिश्चियन है, ये पहले बताओ हमें, हमें ये पहले बताओ। अगर सोनिया गांधी हिंदू है तो अलग होगा, लेकिन अगर सोनिया गांधी क्रिश्चियन हो तो उनको हम राम मंदिर शुद्धिकरण का अनुमति देगा क्या? हम उनको अनुमति देगा क्या? तो ये कांग्रेस पार्टी अभी भी राम मंदिर का पीछे है, लालू यादव अभी भी राम मंदिर का पीछे है। उनका मन है अगर कोई कारण में कांग्रेस का सरकार बनते है ना, वो दोबारा रामलाला को टेंट में ले आने का उनका अभी भी मन है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो कई बार जादू करते हैं, जैसे हिमाचल में किया। 16 महीने से महिलाएं लगातार इंतजार कर रही हैं, 1500 रुपए तो आए नहीं, 8500 कब आएंगे। कांग्रेस 40 के लिए संघर्ष कर रही है और एक एक सीट के लिए तरस रही है। शानदार समर्थन भी मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है और जनता ने मन बना लिया फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का, हमीरपुर में भी कमल खिलाने का। सर राहुल गांधी का बयान आया, उन्होंने कहा कि 5 जून को महिलाओं के खाते में खटाखट 1,00,000 रुपया जो है वो डाल दिया जाएगा। ये जादू वो कई बार करते हैं, जैसे हिमाचल में किया। 16 महीने से महिलाएं इंतजार कर रही हैं, 1500 रुपए तो आए नहीं, 8500 कब आएगा। सर कांग्रेस लगातार कह रही है कि भाजपा जो है वो 400 पार के नारे को भूल चुकी है और उसको कि वो असलियत जानती है। मुझे लगता है कांग्रेस 40 के लिए संघर्ष कर रही है और एक एक सीट के लिए तरस रही है। जैसे पाकिस्तान में लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, वैसे देश में कांग्रेस एक एक सीट के लिए तरस रही है। और सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद क्या बोलती जनता। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेंगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम, इसीलिए एनबी न्यूज पर भारत को है नाम। बचुआ ओ बचुआ, बचुआ सुना है कि आवत है चुनाव के बारी, बचुआ सुना है कि आवत है चुनाव के बारी। नूतन वाले राजा हुई है, नूतन वाले राजा हुई है वोटन के भिखारी। बचुआ सुना है कि आवत है चुनाव के बारी, बचुआ सुना है कि आवत है चुनाव के बारी। 5 मई का प्रचार खत्म हो रहा है, 20 मई पहुंची है। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला के साथ गांव पर लगी हुई है, क्या कहना है? हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, मेरा पूरा व्यापारी समाज, पूरा व्यापार मंडल भाजपा के तरफ है और भाजपा की सरकार बनने जा रही है। 400 सीट पार होगी, इसमें कोई नहीं रोक सकता। अमेठी से दीदी स्मृति ईरानी अच्छे ऑटो से निकल रही है, यहाँ कम से कम 2.5 लाख ऑटो से हम लोग लीड देंगे। पिछली बार जब अच्छा 5 गुना बढ़ेगी, हम लोग 5 गुना आगे रहेंगे, 2.5 लाख वोट से आगे रहेंगे हम लोग। अरे भाजपा इसमें लगभग 90% सीट जीतेगी, 90% में कोई रोक नहीं सकता। 5वें चरण का प्रचार आज खत्म हो रहा है, 20 मई को वोटिंग है और ऐसे में राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला की किस्मत अब दांव पर लगी है, क्या कहना है आपका? इसमें जो है
हमारा सिर्फ इतना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष 400 सीट के पार जाएगी और अमेठी से दीदी स्मृति ईरानी दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रही हैं। आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी रोड शो कर रहे हैं, यहाँ अपार भीड़ देखी जा रही है और हमें आशा और विश्वास पूरा है यहाँ प्रचंड बहुमत साथ दीदी स्मृति ईरानी जी चुनाव जीत रही हैं। यूपी की 19 सीटों पर आज मतदान, जनता का क्या रुझान दिख रहा है? जनता का रुझान भाजपा सरकार के साथ है, तीसरी बार मोदी जी की सरकार बन रही, 19 सीट जो है भाजपा जीतने जा रही है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। यूपी की बात करें तो कितनी सीटें ला रहे हैं? यूपी में 80-85 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और पांचवे चरण का प्रचार आज खत्म हो रहा है जी, 20 मई को वोटिंग है जी। ऐसे में राजनाथ, राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की किस्मत दांव पर लगी हुई है जी, क्या कहना है, कैसा माहौल दिख रहा है? अमेठी में माहौल आपके सामने है, इस रोड शो में इतना अपार जनसमूह को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से किसी की जमानत भी बचेगी। एक तरफा चुनाव है, स्मृति ईरानी प्रचंड वोटों से जीत रही है। बात की जाए यूपी की तो कितनी सीटें आप लोग ला रहे हैं, अगर भाजपा की बात की जाए कितनी सीटों पे आ रही है? यूपी में लगभग 80-80 सीटें हम लोग ला रहे हैं, 80-80 से रायबरेली भी जीतेंगे। पांचवें चरण का प्रचार खत्म हो रहा है, 20 मई को वोटिंग है और ऐसे में राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की किस्मत अब दांव पर है, क्या कहना है, कितने सीटों पर ये लोग फाइट कर रहे हैं, भाजपा कितने सीटों पर आ रही है? भाजपा का जो नारा है 400 पार, वो इस बार निश्चित रूप से 400 पार जा रही है भाजपा। और बाकी जो है ये उमर अब्दुल्ला और ये राहुल गांधी ये सब तो खत्म हो जाएंगे, ये बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। इसमें राजनाथ सिंह बहुत भारी मतों के अंतर से वो जो है विजयी होंगे, क्योंकि उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए ढेर सारे विकास कार्य किए उन्होंने। यूपी में कितनी सीटें ला रहे हैं? यूपी में 80-80 सीटें आ रही हैं। अरे इस बार भाई जो है जो भी जा रहा है वो आदमी सोच रहा है कि मैं इस बार भव्य राम मंदिर बना है, 500 वर्षों के बहुत कठिन परिश्रम और कठिन इंतजार के बाद, तो इसलिए अब इस बार वो सोच रहा है मैं श्री राम जी को एक अपना चरण कमल में उनके पुष्प अर्पित कर रहा हूँ, उनकी पूजा कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, इसलिए वो जो है प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानते हुए भाजपा को ही जिताएगी। क्या नाम है? महेश सोनी। सोनी जी, पांचवें चरण का प्रचार खत्म हो रहा है, 20 मई को वोटिंग है, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की किस्मत अब दांव पर लगी हुई है, ऐसे में क्या लग रहा है, चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल एक तरफा है, इस बार जनता ने मूड बना लिया है, 400 सीटें यूपी में आएंगी मोदी जी के नेतृत्व में, हम सबकी लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी के नेतृत्व में अमेठी में फिर से फूल कमल का फूल खिलने चल रहा है और दीदी यहां से अमेठी फिर से जीत के जाएंगी। अगर बात की जाए यूपी में तो यूपी में कुल कितनी सीटें आ रही हैं? यूपी में 80-80 सीटें हम जीत रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जो कि कांग्रेस हमेशा उसका विरोध करती थी, हमेशा उसके खिलाफ लाके वकील खड़ा करती थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो ये मंदिर बन रहा है, हम लोग मंदिर से बहुत ही प्रेरित हैं और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे हम लोग वोट करेंगे। आपका नाम क्या है और आप 20 मई को जब मतदान करने जाएंगे बूथ पर तो आप किस विचार से जाएंगे? राजमणि मिश्रा नाम है हमारा जी। और वोट करने हम जाएंगे जो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है जी, राष्ट्रवाद के लिए, सबकी भलाई के लिए कर रहा है और हमारे हिसाब से बीजेपी है। उत्तर प्रदेश में अपराध को क्या देखते हैं आप, अपराध है या खत्म हो गया है या नहीं? अभी खत्म हो गया है, पहले था जी, अब योगी के आने के बाद सब खत्म हो गया है, सब बंद हो गया है। कैसे मतलब किस प्रकार से खत्म हुआ है, क्या लगता है आपको कैसे? अब योगी का शासन है और क्या, सब पुलिस का बंदोबस्त है, अलर्ट है सब। आप गांव के नागरिक हैं, आप गांव के नागरिक हैं मिश्रा जी, तो आपको कैसा लगता है कि जैसे कि लोग कहते हैं कि इस समय खेतों में जानवर बहुत ज़्यादा जाते हैं, इससे भी लोग बहुत परेशान हैं, इस आधार पे भी वोट पड़ेगा कि ये मुद्दा कम है? नहीं नहीं, इसका मुद्दा कुछ भी नहीं है जी। हाँ, इसका मुद्दा नहीं, सब अपना अपना कर रहे हैं, सब रखवाली कर रहे हैं, सब हो रहे हैं काम जी जी जी। अच्छा, गाँव में बिजली कैसे आ रही है? बिजली खूब अच्छी आ रही है, बहुत अच्छा आ रहे हैं। कितने घंटे बिजली आती है इसमें, 24 घंटे में? 18-20 घंटे तक आ रही है। अच्छा अच्छा, रोजगार के क्या अवसर हैं आप गांव में, क्या देखते हैं रोजगार के अवसर? सब कुछ है जी। हाँ, सब कुछ है, करने वाला होना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं आज के
देखो ये तो हर चुनाव में होता है कि 48 घंटे पहले जो भी मतदान होता है होता है 50 घंटे पहले में प्रचार प्रसार रुक जाता है। देखिए जो जितनी भी भारत में राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव प्रसार में आती हैं तो सारी पार्टियां बातें करती हैं, लेकिन ये बड़ी बात होती है जैसे भारतीय जनता पार्टी पहले भी बहुत सारी बातें की हैं, तो बहुत सारी बातें पूरे की हैं, लेकिन महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं जनता आप देखिए। मैं सही मतदाताओं से ये कहूँगा कि वोट डाले जरूर जाए अवश्य आए, सारे काम छोड़कर पहले मतदान करें, इसके बाद कोई काम क्या। देखिए जब कोई बड़ा लीडर आता है बड़ा नेता आता है जहाँ पर भी आता है परिवर्तन तो बिल्कुल आता है और तो आना भी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 के चरण में चुनाव चल रहे हैं, आज वो समाप्त हो चुके हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ब्रजेश जी आज 18 तारीख हम झांसी में खड़े हैं, 20 तारीख को इलेक्शन होने, आज प्रचार प्रसार बंद हो चुका है। इस 20 तारीख को 5वें चरण के मतदान में बड़े बड़े लोगों की किस्मत का फैसला होना है, जैसे बड़े बड़े नाम हैं राहुल गांधी हैं राजनाथ सिंह हैं अमर अब्दुल्ला हैं, 8 राज्यों में 49 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। बात करें बुंदेलखंड की तो बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर मतदान होने हैं। बात करें झांसी की तो आज ही अमित शाह जी की रैली झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के ललितपुर के हिस्से में थी, तो ऐसे में हमें लगता है सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी, एनडीए गठबंधन एनडीए ही सरकार बनाएगा। और क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी के सामने वादे करेंगे? वादे तो देखिए मैंने सबको ही देखा, मैंने पूरा एरिया कवर किया, पूरा बुंदेलखंड लगभग मैं घूमा, मैंने देखा कि 400 तो नहीं लेकिन हाँ सरकार बीजेपी बना रही है। बात कर चुकी सांसद कोई भी अपने नाम पर वोट नहीं मांग रहा है, इस तरफ मोदी की गारंटी है, हर सांसद जहाँ जहाँ मैं गया वो सभी लोग मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, तो जो मेन बात है फेस जो है वो मोदी जी का ही है और इस बार मुझे लगता है तीसरी बार फिर से मोदी सरकार ही बनने जा रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिव नारायण सिंह परिहार है जी। आज से प्रचार बंद हो चुका है, 5वें चरण का प्रचार खत्म हो चुका है, आज से 20 मई को वोटिंग होनी है, इसमें राजनाथ सिंह राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला पर किस्मत पर दाव लगा है, इसमें क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए अगर बात की जाए तो मैं रायबरेली की बात करूँगा जहाँ पर राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ से पहले हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ी थी और भारी मतों से विजयी हुई हैं और राहुल गांधी जी उन्हीं की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये राहुल गांधी जी की तो उनकी परिवार की पारंपरिक सीट है, वहाँ से हर बार जीतती हैं चाहे सोनिया जी हों चाहे जो भी परिवार से लड़ा हो, और राहुल गांधी जी की जीत पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, वहाँ से रायबरेली से आदरणीय राहुल गांधी जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। देखिए आज जो देश के हालात हैं प्रदेश के हालात हैं, बेरोजगारी भ्रष्टाचार कमर तोड़ महंगाई और कई ऐसी समस्याएं हैं जहां से जनता त्रस्त हो चुकी है, और आज उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं जितनी भी 19 सीटों पर वोटिंग होनी है तो वहां पर इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा और भाजपा को करारी हार मिलने वाली है, ये मेरा मानना है, यही मेरा कहना है। 8 प्रदेश और 19 सीटों यूपी में जो चुनाव होंगे इस बार, तो यूपी के चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं यूपी की ही बात कर रहा हूँ, आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा दुर्दशा किसानों की है, यहाँ पे लाखों युवा ऐसे हैं जो सालों साल मेहनत करते हैं और जब वो पेपर देने जाते हैं लौट कर घर आते हैं तो शाम को पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, आज देश का किसान बदहाल है कर्ज में डूब गया है, तो कहीं ना कहीं 20 मई को जनता बदला लेगी
और इस सरकार को, भाजपा सरकार को सबक सिखाएगी और 20 तारीख को निश्चित ही प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन को वोट करेगी और सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजय दिलाएगी। क्या नाम? संतोष कुमार तिवारी। तिवारी जी, पांचवे चरण का प्रचार खत्म हो गया है, 20 मई को वोटिंग। हाँ। ऐसे में देखा जाए तो राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला जैसे दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है, क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसा है कि रायबरेली वाला तो हम यहाँ नज़दीक है, इसको तो तुरंत बता सकते हैं। ये इसलिए कि यहाँ जो है कम से कम 5 लाखों वोट से वो हार रहे हैं रायबरेली से, मेरे सुनने में जहाँ तक आया है। और अमेठी सीट कौन हार रहा है? राहुल गांधी। और राजनाथ सिंह की सीट भारी मतों से वो 5-6 लाख वोटों से वो विजयी हो रहे हैं वहाँ से। और रह गया अब्दुल्ला जी, तो उनका तो जो है उनका सीट उनका निकलना नहीं है, दूसरी पार्टी जीतेगी जो भाजपा के समर्थन में। 8 प्रदेश हैं, 49 सीटें। हाँ, पांचवा चरण कौन जीत रहा है? तो 49 सीटें हैं तो उसमें मान के चलिए 35 सीटें हमारी भाजपा की हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, उत्तर हाँ, प्रदेश में कुल कितनी सीटें भाजपा ला रही है? उत्तर प्रदेश में इस समय भाजपा जो है 68 सीटें मेरे अनुमान में है, बाकी 70 सीटें लाने का लक्ष्य है। पांचवें चरण का प्रचार खत्म हो गया है, 20 मई को वोटिंग है। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला की किस्मत अब दांव पर लगी हुई है, ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक लोकसभा का चुनाव है जो है, ठीक है, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी जो है नेता आते हैं जाते हैं, अपना प्रचार प्रसार अपनी पार्टी के करते हैं जो है, ठीक है। और लेकिन अब की का चुनाव जो है कुछ अलग किस्म का दिख रहा है, चाहे अमेठी का हो या चाहे अन्य सीटों का हो। पांचवें चरण में 8 प्रदेश में 49 सीटों पर चुनाव है, ऐसे में कौन जीत रहा है पांचवा चरण? अब की बहुत जो है कांटे की लड़ाई है हर जगह, जो लोगों से सुनने में आ रहा है कहीं भी, जैसे अमेठी है, रायबरेली है, प्रतापगढ़ है, कौशाम्बी है, सुल्तानपुर है, जो है ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि कौन निकलेगा। जो है यूपी की 19 सीटों पर मतदान है, इस पर क्या कहना, कितनी सीटें जो है भाजपा पश्चिमी आ रही है या जो है कितने एनडीए गठबंधन ले जा रहा है? देखिए अब इसको तो आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग भी बता सकते हैं, लेकिन अब की जो है लगभग हर सीटों पर जो है संघर्ष है, जो है कहीं जो है इंडिया गठबंधन जो है आगे चल रहा है, कहीं पर जो है इंडिया जो है। हम सब पांचवें चरण का प्रचार अब खत्म हो गया है, 20 मई को वोटिंग है। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला की किस्मत दांव पर लगी हुई है, जी जी, ऐसे में क्या लगता है आपको? निश्चित अमेठी में कमल खिलेगा और पिछली बार से कई गुना वोटों से हमारी लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी जीतेंगी, इसमें दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 16 सीटों पर मतदान है, जी जी, क्या लगता है? 16 में 16 भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगा, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे ये पक्का है। अगर 80 सीटों की बात की जाए पूरे उत्तर प्रदेश की, जी सीटें हम एकाध दो सीट नहीं कह सकते, बाकी 80 में 80 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है। बचुआ ओ बचुआ, बचुआ सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी, बचुआ सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी, नूतन वाले राजा हुई है, नूतन वाले राजा हुई है, वोटन के भिखारी, बचुआ सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी, बचुआ सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी।